उत्तर प्रदेश में काफी तेजी से पांव पसार रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 29 लोगों ने दम तोड़ा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में भी कोरोना संक्रमण फैल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में पंचम तल पर बैठते हैं। इसी परिसर में स्थिति सी ब्लॉक में सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों के साथ ही भूतल पर सीएम सोशल मीडिया सेल है। इसके साथ एक प्रशिक्षु आईएएस अफसर भी इसकी चपेट में गए। राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी में इस समय सबसे ज्यादा 1728 एक्टिव केस लखनऊ में ही है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 1685 संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 13 जुलाई को सबसे ज्यादा 1664 मरीज मिले थे। जुलाई में सिर्फ 15 दिनों में 18177 नए रोगी बढ़े हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 29 और लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक 1012 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 25743 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 14628 हो गए हैं। वहीं बुधवार को अब तक सर्वाधिक 45302 लोगों की कोरोना जांच की गई है। यूपी में अब तक कुल 1,27,721 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है।